जय हिंद। पाक मीडिया की नई नई लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए कृपया डीके यादव न्यूज को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकॉन दबाएं। वीडियो पसंद आने पर वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। आइए देखते हैं वीडियो। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। इसकी इन्फ्लेशन की उन्होंने कहा ये तो रहेगी 20% से ज़्यादा, तो हाउ डू यू लुक एट आर इकॉनमी इन द कमिंग ईयर्स या मंथ्स? डॉक्टर साहब है नहीं, और IMF की तो राणा सनावला ने कहा गरीबान से पकड़ के शर्तें मनवा रहे, यही बात बल्फाज दीगर मौलाना फजल रहमान ने कही जी। और वो ऐसा लगता है कि पार्टी में बिल्कुल दो धड़े हैं, एक दूसरे को गवारा भी करते हैं, एक दूसरे को नापसंद भी करते हैं, कुछ तो एक दूसरे से नफरत भी करते हैं। सही है, लेकिन में इजाफे का सिलसिला जारी है। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर की कदर में 1.34 रुपया का इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। इजाफे के बाद इंटरबैंक मार्केट में डॉलर 220.75 रुपए का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर की फरोख 234 रुपए पर जारी है। दूसरी जगह डॉलर ऊपर जा रहा है, ये कहाँ तक जाएगा और ये इसकी इतनी बड़ी फ्लक्चुएशन क्या वजह है? उतनी अताहत तो नहीं कर सकते, अब तो देखे ना, कभी तो वो ख्वाब देखते थे, अब तो वो वजीर आजम है और रहना चाहते हैं, और उनकी ख्वाहिश तो बहरहाल यही है कि मामला इसी तरह चले। सही है। और उनकी जो पार्टी के उनके जो ग्रुप के लोग हैं नवाज शरीफ, आपने देखा कितने डिस्टर्ब हैं जी। वो तो आतिश जेर पा हैं जावेद लतीफ, और बोलते हैं तो आग उगलते हैं। आग आज तो एक तो कल तो वो ये हुआ कि बेगम राणा सनावला ने कहा कि हमने तो अल्लाह के घर में उनके लिए दुआएं की हैं और हम तो नहीं चाहते किसी पर तशद्दुद हो। अब पता नहीं क्यों कहा शहबाज गिलगित डिसोसिएट करना चाहते हैं, तो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया है आबद शेर अली साहब ने जी। जुबान पे बारे खुदाया या किसका नाम आया आबद शेर अली और तलाल चौधरी जी, सोने पे सुहागा, करेला और नीम चढ़ा, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है कि यही हालात रहे अगर तो हमारे उम्मीदवार तो हलकों में नहीं जा सकेंगे, ये उन्होंने खुद इरशाद फरमाया जी। और उन्होंने ये कहा कि अगर ये रिलीफ नहीं दिया लोगों को तो हम भी एहतजाज में शामिल हो जाएंगे, यानी आबद शेर अली और तलाल चौधरी लोगों के साथ एहतजाज में शामिल होकर नारे लगा रहे होंगे शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ। और ये कहा कि मिफ्ता इस्माइल साहब दफ्तर से बाहर निकले, अब दफ्तर से बाहर निकल के ये नहीं बताया कहाँ जाए, दफ्तर से बाहर निकले और कहें वो कहा कि वो मत माने शर्तें, कैसी अजीब बात, मत माने शर्तें IMF की, कतन न माने और नया मुआहदा करें। अब ये कैसे करेंगे मिफ्ता साहब, ये पता नहीं है, कोई तरीका तो नहीं बताया उन्होंने। और ये है कि जब नवाज शरीफ आए थे तो 18-18 घंटे की लोड शेडिंग होती थी, तो उस पर उन्होंने काबू पाया था, उन पर भी IMF का प्रेशर था, लेकिन वो तो नहीं मानते थे। अब ये पता नहीं किस बुनियाद पर वो कह रहे हैं कि नहीं मानते थे, वो तो हालात ही बिल्कुल मुख्तलिफ थे। आज के हालात मुख्तलिफ हैं, मुल्क सैलाब में डूबा हुआ है, कर्जे इतने चढ़े हुए जिसकी कोई हद नहीं है, पैसे देने वाला कोई। देखिए मेरे पास कोई इस वक्त कोई बहुत अच्छी खबर नहीं, अफरात जर के बारे में मैं ये कह दूँ कि पिछले महीने जुलाई के महीने में अफरात जर की रफ्तार 25% तक जा चुकी। अब ये देखिए IMF के प्रोग्राम के वजह से और हमें अपने ज़रूरियात की वजह से आपको गैस की कीमतों में अनखरीद 50% करवा है, फ्यूल एडजस्टमेंट चार्ज बिजली पर आप तकरीबन 9 से 11 रुपए तक प्रति किलोवाट आवर ले जा चुके, तीसरी तरफ आपको अपना जो इलेक्ट्रिसिटी जो है उसके बेस टैरिफ में 9 रुपए का आगाज बढ़ाना है अगले कुछ हफ्तों में, और चौथी तरफ जो सबसे बड़ा धमाका है वो है कि आपको पेट्रोलियम लेवी कुछ महीनों में 50 रुपये प्रति लीटर तक ले जाना है। ये सब चीज़ें अगर आप करते रहेंगे तो ये कहना कि अफरात जर जो है उसमें कुछ कमी आ सकती है, ये विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट्स ये मेरा नहीं ख्याल है कि ऐसा होने वाला है। अब आप ये देखिए कि हमारा सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स तो 40% से ज़्यादा है, तो नतीजा ये है कि ये हद से ज़्यादा प्रेशर लोगों पर हम डाल रहे हैं। अब आपको एक छोटा सा मैं अपना पर्सनल एग्जांपल दे दूं कि जुलाई के महीने में मेरे जो बिजली की बिल आई है एक रिटायर्ड प्रोफेसर हूँ 2.5 गुना ज़्यादा,
जबकि कंजम्पशन में भी इजाफा हुआ। तो ये इस तरह के जो हालात मुल्क में हो गए हैं, इसके और इसके ऊपर एक सबसे बड़ा जो परेशान कुल फैक्टर है तो वो है सैलाब के असर। आप देखेंगे कि खाने पीने चीज़ों के खास तौर पे सब्जी, आपके मुख्तलिफ दाल, ये सब चीज़ें जो पाकिस्तान में होते हैं वो काफ़ी हद तक उनमें नुकसान आ चुका है, फसलें नुकसानदेह हालत में हैं। इससे और इजाफा होगा। अब आप ये देखिए कि सब्जियों की कीमत 40-50-60% तक जाती है। तो ये ऐसा वक्त तारीख था जब के पाकिस्तान में सबसे बुलंद अफराद ज़र हो चुका है और उससे देखो सबसे बड़ी वजह तो सियासी अदम इस्तेकाम है। और मैं कहता हूँ सियासत जो होता है मैशत का दरवाज़ा होता है, और ये दरवाज़ा जब बंद होता है तो माशी बहरान पैदा होता है। तो पाकिस्तान में आप देखें जब से सियासी बहरान के साथ माशी बहरान भी पैदा हो गया। तो अब जब तक हमारे लीडर जो कि कौमी रहनुमाएँ कौम की रहनुमाई करें, लड़ाई आपस में ना करें, तो पाकिस्तान शायद इतना बड़ा बहरान पेश ना आता। और बढ़ने की वजह यह है कि हुकूमत ने, आपको पता है, पिछले 2 महीने से बल्कि 4 महीने से लग्जरी आइटम पे बैन लगाई हुई थी, और वो पिछले 4 महीने से इम्पोर्ट जो है नहीं हो रही थी। आप उन्होंने पिछले हफ्ते जो है उन्होंने इम्पोर्ट फ्री कर दी, और जिसकी वजह इंटर बैंक में डॉलर की डिमांड बढ़ी, और डॉलर हमने बड़ी मुश्किलों से आवाम को रिक्वेस्ट करके कि आप रुपये में इन्वेस्टमेंट करें, डॉलर में ना ख़रीदें। तो आवाम ने हमारी अपील पे लबैक कहा, और अल्लाह का शुक्र है डॉलर खरीदने के बजाय उन्होंने अपने डॉलर बेचने शुरू कर दिए, और डॉलर 250 से कम हो गए, 212 पे आ गया। और एक वक्त मार्केट में कोई डॉलर लेने वाला नहीं था, लोग दुआई कर रहे थे हमारे से कोई डॉलर खरीद नहीं रहा। लेकिन अब ये उल्टी हो गई सारी तदबीरें। तो अब डॉलर का डिमांड पहली वजह तो इंटर बैंक में बड़ी जो कि 212 से बढ़ के 220 पे हो गया, और फिर पाकिस्तान के बदकिस्मती के दुबई ने ये ऐलान कर दिया कि हर पाकिस्तान। अच्छा मलिक साहब सवाल ये है कि ये जो इम्पोर्टेड आइटम्स थे इन पर बड़ी पाबंदी लगाई हुई थी, बिल्कुल ठीक था, डॉलर पर डिपेंडेंस कम हो रही थी, क्या ज़रूरत थी ये इन आइटम्स पर से पाबंदी उठा ली और अब फिर वो डॉलर की सूरत हाल, क्या ज़रूरत थी, गवर्नमेंट ने क्या गेन किया इससे? देखो गवर्नमेंट का कहना है कि हम WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर हैं, और उसके तहत आप इम्पोर्ट पे बैन नहीं लगा सकते। अगर जो कंट्री इम्पोर्ट पे लगाएगा उसकी एक्सपोर्ट पे भी बैन हो जाएगा। फिर जर्मनी ने उनके लेटर लिख दिया है पाकिस्तान को, उनके चैम्बर ने, कहा अगर आप हमारी गाड़ियाँ इम्पोर्ट नहीं करें तो GSP+ पे फिर अगले साल आपने हमारे पास आना है। तो ये इतने IMF वर्ल्ड बैंक का दबाव था, हुकूमत ने मजबूर हो गई हथियार डाल दिए, और जिसका नतीजा है कि आप हमें ये है कि आप हम अपनी एक्सपोर्ट बढ़ा सकते हैं। और मैं जैसे मैं कह रहा था अभी हमारी फ्री मार्केट में डिमांड बहुत बढ़ गई है, ज़्यादा बढ़ने का बहुत बड़ा खतरा मौजूद। अच्छा डॉक्टर साहब आपने दुरुस्त फरमाया, मेरा बड़ा सादा से एक सवाल है, तो ये जो सारे मसाइल हैं क्या हमने वो IMF बेल आउट पर जिंदा रहना है? मैं रियासत पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे सारी पार्टीज आ गई, 4 जर्नैल भी आ गए, तो क्या हमने हमारे इतनी अकल ये इतनी हमारी सलाहियत है कि हम IMF के पास जाएं कि हमें बेल आउट दें, कर्जा देना है, कर्जे के लिए पैसे चलाएं और हम बैठ के रोते रहें, इससे इस साइकिल से हम किसी तरह बाहर आ सकते हैं? देखिए मैं जो दास्तान है पाकिस्तान की, दुनिया में पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जो तकरीबन सबसे ज़्यादा IMF प्रोग्राम में जा चुका है। सबसे पहला IMF प्रोग्राम जो था वो मुशर्रफ साहब के आखिरी दिनों में किया गया था 1988 में, उसके बाद में आज हम 23वें प्रोग्राम में मौजूद हैं। अब आप ये सोचिए कि तकरीबन 35-40 साल के रेंज में तकरीबन हर दूसरे साल पाकिस्तान IMF प्रोग्राम में जा चुका है। इसके बरक्स हिंदुस्तान एक ही दफ़ा गया है और बांग्लादेश 3 मरतबा। हमारे साथ मसला यह है कि हम कोशिश ये करते हैं कि मुश्किल जो डिसीशंस हैं, अब आप देखिए कि आप कर्जे का जो पैमाना है वो आसमान तक जा चुका है। इस साल हमारे कर्जों का लेवल $130 अरब तक पहुंच चुका है, और आने वाले इस साल हमें कर्जों की वापसी पर $21 अरब देंगे। होता ये कि ये जो हम बाहर से पैसा लेते हैं हम उसको अपने तिजारती खसारे को पूरा करने के लिए इस्तेमाल कर देते हैं, तो हमारी प्रोडक्टिव कैपेसिटी जो है और पैसे वापस करने की सलाहियत उसमें कोई इजाफा नहीं होता।
और नतीजा ये है कि हम कर्जों के बोझ में डूब के जा रहे हैं और आने वाले दिनों में इस साल हमें तकरीबन 35 से 40 अरब डॉलर की रिक्वायरमेंट है। इस वक्त आपके रिजर्व्स जो हैं वो 8 अरब डॉलर के लेवल पर गिर चुके हैं, तो यकीनन इस मरतबा हद से ज़्यादा परेशान कर पोजिशन। दोस्तों, पाकिस्तान अब तक 23 बार IMF में जा चुका है, लेकिन पाकिस्तान की कोई भी हुकूमत आती है लेकिन पाकिस्तानी आवाम को IMF से छुटकारा नहीं दिला सकती। पाकिस्तानी मीडिया का कहना है कि IMF हमारा ग्रेवान पकड़कर हम पर ज़बरदस्ती शर्तें मनवा रहा है और फिर भी हमारे लिए पैसे नहीं दे रहा। डॉलर पाकिस्तान में फिर से महंगा होने लगा है, जिससे पाकिस्तान में महंगाई का एक तूफान सा आएगा। पाकिस्तान पहले ही बाढ़ और बारिश से बुरी तरीके से तबाह हो चुका है। पाकिस्तान में बाढ़ और बारिश ने ऐसी तबाही मचाई है कि लोग बेघर हो चुके हैं, लोगों के पास खाने तक की चीज़ें नहीं हैं और पाकिस्तानी गवर्नमेंट भी कोई मदद नहीं कर पा रही। आपकी क्या राय है कमेंट में ज़रूर शेयर करें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। जय हिंद।